गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12। कल हमने आपको हेडिंग डलवाई थी टीआरएनए की संरचना। आरआरएनए एमआरएनए हमने आपको दोनों पढ़ाए थे, ठीक है। तो देखिए टीआरएनए की संरचना ये है, अभी हम बोलेंगे तो आपसे समझिएगा। टीआरएनए जो है टीआरएनए आरएनए का 10 से 20% होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 20% होते हैं। समझना ध्यान से, टीआरएनए आरएनए का 10 से 20% होते हैं और ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। आगे बात समझ लें, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? अमीनो अम्लों को पकड़कर, अमीनो अम्ल होते हैं ना डीएनए आरएनए में, अमीनो अम्लों को पकड़कर राइबोसोम के पास लाना। इन्होंने क्या किया? अमीनो अम्लों को पकड़ा, कहाँ है? कोशिका द्रव्य में है। इन्होंने अमीनो अम्लों को पकड़ा और कहाँ ले गए? राइबोसोम्स के पास ले गए, ठीक है। अब राइबोसोम क्या करता है? इनके इन्हें एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए की सहायता से इन्हें जोड़ देता है। आगे बात समझ लें, मैसेंजर आरएनए की सहायता से इन्हें जोड़ देता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आगे बात समझ में क्लियर। इनका अवसादन गुणांक जो है 3.8 होता है। कितना होता है? 3.8 होता है, क्लियर है। और इनमें इनमें जो है 73 से 93 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के इसकी संरचना बनी होती है। बात समझ में आई? क्लियर, फिर से सुनिए या लिखते जाइए आप लोग। देखिए ये कुल आरएनए का 10 से 20% होता है, ये कुल आरएनए का 10 से 20% होता है।
लिख लिए हैं। अब ध्यान दीजिए संरचना आई ना रही है। देखो टी आर एन ए की संरचना है बेटा पांच भुजाएं, देखने में लगती है ना चार भुजा लेकिन पांच भुजाएं। बात समझ में आई? पहला है संग्राहक भुजा या एक्सेप्टर भुजा, ठीक है। दूसरी है आपकी कौन सी, देखिए फिगर पे इधर से चलेंगे। ये पहली होगी संग्राहक भुजा, दूसरी है डी भुजा, तीसरी है एंटीकोडान भुजा। तीसरी क्या है? एंटीकोडान भुजा। और चौथी क्या है? परिवर्ती भुजा। बात समझ में आ रही है? देखिए और पांचवी क्या है? टी सी भुजा। हो गए पांचों भुजा, तो लिख लीजिए टी आर एन ए में पांच भुजाएं होती हैं। नंबर एक पहला डाल दीजिए संग्राहक स्तंभ या संग्राहक भुजा। संग्राहक भुजा बेटा इसी कहते हैं, अमीनो में भुजा भी इसे कहते हैं, आप ऐसे भी नहीं याद रख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है? डी भुजा। तीसरा है एंटीकोडान भुजा। चौथा डालिए परिवर्ती भुजा। और पांचवा डाल दीजिए टीसी भुजा। डाल दिए। अब पहली पहली डाल दीजिए आप संग्राहक भुजा। देखो इस सिरे में बेटा लूप नहीं बना है, बना नहीं बना ना, तो पहली लाइन यही हो गई कि इस सिरे पे लूप नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? इस सिरे पे बेटा लूप नहीं होते हैं, इस भुजा पे लूप नहीं होते हैं, और इसे अमीनो अम्ल भुजा भी कहते हैं। इस भुजा पे लूप नहीं होते हैं और इसे अमीनो अम्ल भुजा भी कहते हैं। हो गया, ठीक है। इसका एक सिरा पांच कार्बन पर और दूसरा सिरा तीन कार्बन पर स्थित है, तो लिखिए इतना पहले। इस भुजा पे लूप नहीं होते हैं, इसे अमीनो अम्ल भुजा भी कहते हैं। इसका एक सिरा पांच कार्बन वाला और दूसरा सिरा तीन कार्बन पे होता है। ठीक है, तीन सिरे तीन कार्बन वाले सिरे पे या तीन सिरे पे कुछ भी लिख सकते हो। तीन सिरे पे देखिए यहाँ से ध्यान से, तीसरा सिरा ये है, इस पे ये देखो कोडान है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी समाचार के कोडान है कि नहीं है बताइए, ठीक। तो इसके तीन सिरे पर साइटोसिन साइटोसिन और एडिनिन समाचार वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये देखिए सी सी ए है ना, बोलो ये तीसरा सिरा है, समझ आया? ये देखिए सी सी ए, ठीक। तो लिखिए इसमें इसी उसी के आगे लिखिए तीन सिरे वाले सूत्र के सिरे पर साइटोडिन साइटोसिन साइटोसिन एडिनिन क्षार वाले राइबोन्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है। इस स्तंभ में सात क्षार युग्म तथा चार अयुग्मित क्षार होते हैं। सात क्षार युग्म तथा चार अयुग्मित क्षार होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये याद रखिए साइक्लोनिन साइक्लोनिन और एडिनिन एडेनिन ये तीन कार्बन वाले न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और इसमें कितने होते हैं? सात क्षार युग्म होते हैं, युग्मित होते हैं, और चार जो है अयुग्मित क्षार युग्म होते हैं। क्लियर हो गया? कुछ नहीं, फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए पहली लाइन है, इसमें क्या नहीं होते? लूप नहीं होते, नहीं है ना लूप? इस सिरे पे लूप नहीं होते हैं, पहला सिरा जो है। दूसरी बात, जिसे अमीनो अम्ल सिरा भी कहते हैं या भुजा भी कहते हैं, कहते हैं। इसके बाद इसमें दो सिरे होते हैं, पहला सिरा जो है पांच कार्बन वाला, दूसरा तीन कार्बन का सिरा होता है। यही तो बताया, बोलो।
ठीक है। दूसरी बात यह है आपको कि इसमें जो है जो क्षार युग्म होते हैं साइटोजिन, साइटोसिन और एडेनिन, तीन क्षार युग्मों का न्यूक्लियोसाइट का जोड़ा यहाँ होता है। और इसमें होते कितने हैं? सात क्षार युग्म होते हैं और चार अयुग्मित क्षार युग्म अयुग्मित होते हैं, मतलब सात युग्मित क्षार युग्म होते हैं और इसमें क्या है और चार जो है अयुग्मित होते हैं। क्लियर हो गया आपका पहला। दूसरा डाल दीजिए डी भुजा। इसमें याद रखो बेटा ये एक एंजाइम स्थल है, एंजाइम का स्थान है, ठीक है। ये एक एंजाइम स्थल होता है, ये एंजाइम स्थल होता है, चार क्षार युग्म इसमें होते हैं और सात से ग्यारह न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सात क्षार युग्म होते हैं और सात से ग्यारह नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, याद रहेगा। इसमें क्या क्या होता है? सात क्षार युग्म होते हैं और सात से ग्यारह न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। लिख लीजिए इसे एंजाइम स्थल भी कहते हैं। इसमें इस भुजा में सात क्षार युग्म तथा सात से ग्यारह, सात क्षार युग्म तथा सात से ग्यारह नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट डाल दीजिए एंटीकोडान भुजा। ये टॉपिक कल रहेगा बेटा आपका, ओके। तो आप अपने नोट तैयार करिएगा, इसे लिखिएगा कॉपी पे, ठीक, और राइट करिएगा। कल हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे ना, वो आपने लिखे नहीं लिखे? वो क्वेश्चन लिखिए, हमें याद करिए, ओके। गुड डे।